तो बच्चों इसी तरीके से सेम यही मेथड लगा के हम सेकंड सेम यही मेथड लगा के हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, ये 2x² + 7x + 3 अब प्रॉपर वे में लिख रहा हूं बच्चों, जैसे तुम लोगों ने पेपर में सॉल्व करना है वो इस साइड लिखूंगा, ये मेरा रफ कॉलम होगा, ये मेरा रफ कॉलम होगा, ये मेरा फेयर कॉलम होगा, इस तरह से पेपर में सोल्व करना है। मान लो सेकंड पार्ट सोल्व कर रहा हूं 2x² + 7x + 3 ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसे रफ में कंपेयर कर लेता हूं, ax² + bx + c प्रोडक्ट मुझे क्या चाहिए, a और c का। स्प्लिट कैसे करना है मैंने, इस b वाली वैल्यू को, तो b की वैल्यू क्या है 7, तो इसका मतलब मैंने 7 को स्प्लिट करना है। प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए मेरे पास, a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 3, तो प्रोडक्ट करके मेरे पास विद साइन लेना है बच्चों, विद साइन प्रोडक्ट करके मेरे पास आना चाहिए 6, और दोनों फैक्टर्स का सोल्व करते हैं। देखो कैसे, 6 है, 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 × 6, 2 × 3, और कोई हो सकता है, नहीं हो सकता, 6 जो प्रोडक्ट होती है ना बच्चों, जो प्रोडक्ट होती है, और ये सम होता है, सम करके 7 चाहिए, प्रोडक्ट करके 6 चाहिए, तो प्रोडक्ट को फैक्टर ले लो, 1 और 6 2 और 3। अब देखो क्या चाहिए हमें, 7 चाहिए, मिडल टर्म स्प्लिट, सेंटर में क्या चाहिए प्लस का 7, और देखो प्लस का 7 सीधे से बांटा 2 और 3 से तो किसी हाल में आते नहीं, प्लस माइनस करके 6 और 1 को प्लस करके कितना बनता है 7, तो इसका मतलब हमारे फैक्टर क्या हो गए 1 एंड 6। अब देखो प्लस का 7 चाहिए, ठीक है, अगर माइनस 7 चाहिए होता, मान लो यहां पे माइनस 7 होता, अपनी तरफ से ले रहा हूं एक्स्ट्रा पार्ट, एक्स्ट्रा इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन में मैंने यहां पे माइनस डाल दिया, क्वेश्चन सेम है, कोई फर्क नहीं, यहां प्लस था यहां माइनस है, अगर मैंने इसके फैक्टर बनाने होते यही फैक्टर लगते पर क्या लगते माइनस वन एंड माइनस सिक्स, क्योंकि दोनों को ऐड करके क्या बनता माइनस सेवन यहां, तो इसका मतलब प्लस के 1 और प्लस के 6 यहां पे लग गया, माइनस के 1 और माइनस के 6 यहां पे लग गया। देखो दोनों को सोल्व करके था, इसके फैक्टर कौन से, 1 और 6 है, 2x² + x, 1 को तो केवल x भी लिख सकते हैं, प्लस 6x + 3, पहले दोनों में से 2x कॉमन लिया, यहां पे बच गया x प्लस, सॉरी यहां से 2x हो, यहां x है अकेला, 2 है नहीं, तो अकेला x कॉमन आएगा, यहां आ गया 2x + 1, यहां से 6x और 3 कॉमन ले लिया, प्लस के 3 कॉमन लिया, 2x + 1, तो ये बन गया x + 3, x इससे जुड़ गया और ये दोनों एक बार लग जाएंगे, ये बन गया इसका फैक्टर। इसके फैक्टर क्या है, -1 और -6, द्वारा बता रहा हूं बच्चों, माइनस प्लस माइनस इस हिसाब से लगाना, पहले फैक्टर ढूंढ लो, उसके बाद देखो अगर यहां पे माइनस है तो किस हिसाब से माइनस अरेंज करो दोनों फैक्टर्स में कि ये बन जाएगा, ठीक है, जैसे 2x² फैक्टर क्या बने, -1 एंड -6 -6x + 3, यहां से वही x कॉमन आ गया, 2x - 1, यहां से -3 कॉमन आ गया, 2x - 1, तो ये बन गया x - 3, 2x - 1, ये इसका फैक्टर, ठीक है, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। नेक्स्ट थर्ड पार्ट समझाने जा रहा हूं, इधर ऑफ कॉलम में रखेंगे ताकि तुम लोगों को समझाना इजी हो जाए, सॉल्व इधर कर लेते हैं। थर्ड पार्ट 6x² + 5x - 6, और देखो दोनों को प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट कितनी चाहिए, अब कंपेयर करने की जरूरत नहीं, अब तुम लोगों को सीधा समझा रहा हूं, देखो प्रोडक्ट कितना चाहिए, 6 साइन साथ में लेना है, साइन साथ में लेना है, 6 और -6 कितना बना -36, सम कितना चाहिए +5,
सम करके कितना चाहिए प्लस 5, तो देखो 36 साइन है, साइन को बाद में कंसीडर करेंगे, पहले वैल्यू उठाते हैं 36, 36 के फैक्टर बनाओ क्या बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे 136, 218, 312, 4966, कितने बन गए 1, 2, 3, 4, 5 पांच फैक्टर्स बन गए। अब देखो मुझे 5 चाहिए, तो मुझे पता प्लस माइनस करके 36 और 1 को कुछ नहीं बनेगा, 5 नहीं बनेगा ना, 18 और 2 को प्लस माइनस करके कुछ बनेगा, 12 और 3 को प्लस माइनस करके भी 5 नहीं बन सकता, पर 9 में से अगर मैं 4 निकाल दूं, 9 में से अगर मैं 4 निकाल दूं तो 5 बन सकता है, 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 5 बन गया। अगला फैक्टर भी देख लो, चलो ये तो बन ही गया, ये एप्लीकेबल हो सकता है क्योंकि मुझे 5 चाहिए था। अब ये 606 प्लस माइनस करके कुछ नहीं आएगा, माइनस करके 0 प्लस करके 12, 5 नहीं आता, तो इसका मतलब 4 और 9 बचे, 4 और 9 मल्टीप्लाई करके तो 36 आ रहा है। अब देखो फैक्टर बनाना कैसे है, दोनों को माइनस करना है, मुझे प्लस का 5 चाहिए, प्लस का 5 चाहिए, प्लस के 5 के लिए मुझे 9 की वैल्यू प्लस रखनी पड़ेगी और 4 की वैल्यू माइनस रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई भी करके देखो, माइनस 4 इंटू 9 कितना बन गया, माइनस 36 बन गया, माइनस 36, वैसे ही को ऐड करके देखो, माइनस प्लस के 9 माइनस के 4 कितना बन गया 5 आ गया 5। एक और बना रहा हूं यही पे फैक्टर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रहा हूं इसी के साथ, यही वैल्यू लूंगा या पे माइनस 5x रखूंगा, जान के मैंने माइनस 5x रखा बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहां पे माइनस 5x चाहिए, सेम क्वेश्चन है प्लस माइनस जैसे पिछले क्वेश्चन में, माइनस 5 चाहिए, अब देखो इसे सॉल्व करके इन दोनों फैक्टर्स को सॉल्व करके माइनस 36 तो बन रहा है, पर प्लस माइनस करके प्लस का 5 बन रहा है, मुझे क्या चाहिए यहां पे माइनस का 5, तो इसके फैक्टर के लिए, इसके फैक्टर के लिए मैं क्या करूंगा, 9 की वैल्यू को, 9 और 4 फैक्टर थे हमारे पास पहले, हमारे पास 9 और 4 फैक्टर थे, तो 9 को मैं रख दूंगा माइनस का 9, 4 को रख दूंगा प्लस का 4, अब देखो माइनस का 5 बन गया, देखो माइनस का 5 बन गया, तो इसका मतलब यहां पे क्या था, यहां पे मैंने प्लस का 9 रखा और माइनस के 4 रखे तो प्लस का 5। तो मेरे यहां पे समझाने का सिर्फ मतलब इतना ही है कि जो साइन है, साइन तुम लोगों को इस वैल्यू को देख के लगाने, जो यहां पे साइन चाहिए उसी साइन की, उसी जो साइन यहां पे चाहिए उसी साइन की बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, बड़ी वैल्यू उसी साइन का होना चाहिए, ताकि ये प्लस से माइनस करोगे प्लस 5, माइनस में से प्लस की छोटी वैल्यू निकालोगे माइनस की वैल्यू, मतलब ये चीज तुम लोग समझते हो, 9th 10th में हो गया, तुम लोग 9th में हो चुके हो, ये चीज समझते हो, मतलब पहले फैक्टर ढूंढ लो, उसके बाद साइन की जो अरेंजमेंट रखनी है, साइन लगाना है जो, वो देख के लगाना कि किस हिसाब से ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जैसे प्लस 5 चाहिए था तो मैंने 9 को प्लस रख दिया, 4 को माइनस रख दिया, प्लस 5 आ गया, यहां मुझे माइनस 5 चाहिए था तो मैंने 9 को माइनस और 4 को प्लस रख दिया तो मेरे पास माइनस 5 आ गया, ठीक है। फैक्टर क्या बन गया इसके, माइनस 9 और माइनस 4, इसमें से 3x कॉमन निकाल लो, इसमें से माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, ये आ गया 3x माइनस 2 और ये आ गया 2x प्लस 3, ठीक है। ये फैक्टर बन गए, ये दोनों फैक्टर बन गए बच्चों इसके, ठीक है। वैसे इसे सॉल्व करते हैं, 6x स्क्वायर, इसके फैक्टर क्या थे, माइनस 9 एंड माइनस 9x प्लस 4x, इन दोनों में से 3x कॉमन निकाला, 2x माइनस 3, यहां से प्लस का 2 कॉमन निकाला, 2x माइनस 3, देखो दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यूज है तो आ गया 3x प्लस 2 और 2x माइनस 3, क्लियर है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये ट्रिक है बच्चों मिडल टर्म स्प्लिट को सॉल्व करने का, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं तुम लोगों को, पहले इसे सॉल्व कर लेना, पहले इस एक्सरसाइज को सोल्व कर देना, फिर तुम लोगों को एक वर्कशीट बना के दूंगा, फिर तुम लोगों को इस क्वेश्चंस के ऊपर एक वर्कशीट बना के दूंगा जिसमें क्वाड्रेटिक और क्यूबिक दोनों को सोल्व करना होगा, उन्हें सोल्व करके प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट अपने आप सोल्व करना बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है क्यूबिक फॉर्मूला, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है क्यूबिक फैक्टराइजेशन,
तो जैसे कि बता के हटा था मैं, क्यूबिक फैक्टराइजेशन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, देखो क्यूब है यहां पे, x³ 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 y³, तो क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व, क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर बनाने का तरीका होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड पेपर में लिख के मत आना, हिट एंड ट्रायल मेथड, बस सीधा सॉल्यूशन सोल्व करना शुरू कर देना। अब देखो सोल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला पार्ट है। तो लेट कर लेता हूं, लेट पी एक्स इक्वल्स टू, लेट पी एक्स इक्वल्स टू x³ - 2x² - x + 2, इसे सॉल्व करना है हमें। ठीक है, हमने क्या करना है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो कांस्टेंट वैल्यू है इसके फैक्टर्स ढूंढने हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू है इसके फैक्टर्स लिखने हैं। देखो क्या कुछ हो सकता है, ये किससे डिवाइड हो सकता है, जो कांस्टेंट वैल्यू वो देखने किससे डिवाइड हो सकता है। तो मैं क्या लिखूंगा, +-1, ऐसे लिखते हैं +-1 +-1, इसका मतलब होता है इसमें प्लस वन भी है और माइनस वन भी है, दोनों ही आ गए इसमें, प्लस वन भी आ गया और माइनस वन भी आ गया, +-1 + -2, देखो इसके यही फैक्टर बनते हैं, प्लस वन भी इसे डिवाइड कर सकता है, माइनस वन भी इसे डिवाइड कर सकता है, प्लस टू भी इसे डिवाइड कर सकता है, माइनस टू भी इसे डिवाइड कर सकता है, आर फैक्टर्स ऑफ पी एक्स, इसके पी एक्स फैक्टर है। तो देखो इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आ गई, इसमें वैल्यूज आ गई एक प्लस, यहां पर रफ में लिख रहा हूं, ये रफ पार्ट है, इसमें कौन कौन सी वैल्यू आगी, +1 -1 + 2 - 2। अब हमने, अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं, अब जो पॉलिनोमियल पी एक्स है इसमें हमने एक एक करके, अब जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, जो गिवन पॉलिनोमियल है, ध्यान से सुनना, पहले मैंने क्या किया, जो पॉलिनोमियल गिवन था उसका जो कांस्टेंट वैल्यू थी उसके अंदर मैंने जितने भी फैक्टर हैं वो लिख लिए। जैसे मान लो यहां पे 6 होता तो 6 के फैक्टर क्या बनते हैं, +-1 + -2 + -3 + -6, क्योंकि प्लस के 1 माइनस के 1, प्लस के 2 से भी डिवाइड होता है माइनस के 2 से भी, प्लस के 3 से भी डिवाइड होता है माइनस के 3 से भी, प्लस के 6 और माइनस के 6, फैक्टर ऐसे लिखे जाते हैं। तो फैक्टर लिख लिए मैंने, अब जो पॉलिनोमियल है, अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में ये वैल्यूज पुट करनी है तुमने, एक एक करके, एक एक करके ये वैल्यूज तुमने इस पॉलिनोमियल में पुट करनी है। कब तक पुट करनी है, जब तक तुम्हारे पास रिमाइंडर जीरो ना आ जाए, पहली बार एक बार में कोई एक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। मान लो प्लस की 1 की वैल्यू यहां पे पुट करता हूं, P1 मैंने पहले +1 पुट किया, 1³ 1² 1 + 2, 1 - 2 - 1 + 2, इससे कट गया, ये इससे कट गया, यहां पे क्या आ गया, P1 की वैल्यू 0, P1 की वैल्यू क्या आ गई 0। अब मेरे पास यहां पे रिमाइंडर 0 आ गया पॉलिनोमियल का, तो मैंने तब तक वैल्यू पुट करनी है बच्चों जब तक मेरे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 ना आ जाए, एक बार, सिर्फ एक बार। जैसे ही मेरे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, वहीं पे मैंने इसे रोक देना, वहीं पे मैंने इसे रोक देना। ठीक है, मान लो 1 की वैल्यू पुट करने के बाद 0 नहीं आता, सपोज कर रहा हूं 1 की वैल्यू पुट करने के बाद 0 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद P-1 की वैल्यू पुट करके देखेंगे, अगर 0 आ गया तो वहीं पे छोड़ देना, वहीं पे रोक देना। अगर मान लो P-1 की वैल्यू पुट करने के बाद भी 0 नहीं आता, ठीक है, P-1 की वैल्यू पुट करने के बाद भी 0 नहीं आता, तो हम P की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। ठीक है, फिर P की वैल्यू 2 पुट करेंगे, अगर वहां पे हमारे पास 0 आ जाता है तो वहां पे रुक जाएंगे, वहां भी नहीं आता तो नेक्स्ट पुट करेंगे। पर एक चीज याद रखना, ये नहीं होगा कि चार जैसे यहां पे लिखे चारों के चारों में से एक भी 0 नहीं आएगा, हो नहीं सकता, ये चारों में से कोई ना कोई एक में 0 जरूर आएगा, हो सकता है 2 में 0 आ जाए, पर हमें 2 की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक 0 फाइंड आउट करनी है। ध्यान से सुनो, हमें सिर्फ एक 0 फाइंड आउट करनी है, जैसे ही हमारे पास एक 0 आ जाए उससे आगे हमें वेरिएबल की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास 1 वैल्यू पुट करने के बाद रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब 1 इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो जिस याद फैक्टर था हमें यही तो था, जिस वेरिएबल की वैल्यू पुट करके रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाए तो वो उसकी क्या हो जाती है, 0। तो 0 को फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं,
एक्स इज इक्वल टू वन है, यहाँ पे वन है, ये एक्स की वैल्यू है, फैक्टर कैसे बनाते हैं, वन इधर आ जाएगा, वन इस साइड आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब हमने क्या करना है, जो ये फैक्टर आ गया इस पॉलिनोमियल के, देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कितने फैक्टर होंगे, तीन फैक्टर होंगे, मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर होते हैं, लीनियर इक्वेशन का एक होता है, क्यूबिक इक्वेशन के तीन होते हैं, तो हमारे पास एक फैक्टर आ गया। अब हमने क्या करना है, इस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को, जो पॉलिनोमियल गिवन है, इस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। अब तुम लोगों को डिवाइड करना सिखा रहा हूं बच्चों, इसे कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, याद है दूसरा तरीका रिमाइंडर और क्वेश्चन फाइंड आउट करने का, तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो देखो कैसे करना है, किससे डिवाइड करना है, एक्स माइनस वन, ध्यान से समझ लेना डिवीजन कैसे होती है। इस क्वेश्चन को कराने के बाद में तुम लोगों को और भी क्वेश्चन कराऊंगा डिवीजन के। देखो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, अब डिवाइड कैसे करना है देखो ध्यान से समझ लेना। मैंने इस पॉलिनोमियल को, जो पॉलिनोमियल गिवन थी उससे जो हमने ये फैक्टर निकाला है उससे डिवाइड करने, मतलब कि इसको इससे डिवाइड करने, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाने, रिमाइंडर थ्योरम नहीं लगानी क्योंकि मुझे क्वोशेंट चाहिए, मुझे क्वोशेंट चाहिए, अगर मुझे क्वोशेंट चाहिए तो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगेगा। तो देखो यहां पे x है जिससे डिवाइड कर रहे हैं, उसका फैक्टर x और उसका पहला टर्म क्या है, एक्स क्यूब, तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब जो उसकी पहली टर्म है उसको डिविडेंड की पहली टर्म और डिवाइजर की पहली टर्म को आपस में डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके क्या बचा, एक्स क्यूब बचा, तो एक्स क्यूब मतलब जाएगा। ध्यान से देखो, मैंने डिविडेंड की पहली टर्म और डिवाइजर की पहली टर्म को आपस में डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मैंने ऊपर लगा दिया। अब एक्स स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स से किया, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब लगेगा, लाइट टर्म के नीचे लाइट टर्म लगेगी, एक्स स्क्वायर को माइनस वन है, एक्स स्क्वायर को माइनस वन से करोगे माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके नीचे लगता है माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक लाइन छोड़ के लाइन लगानी है, जो लाइन छोड़ी हुई है उसमें नीचे वाले रो के साइन होल्ड करने, प्लस का साइन था यहां पे, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ध्यान से सुन लो, ये लिख दिया मैंने मल्टीप्लाई करके, एक लाइन छोड़ के लाइन लगानी है, जो लाइन छोड़ी हुई है वहां पे साइन होल्ड करके लिखना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, नीचे वाली रो का, ऊपर वाली रो का नहीं, नीचे वाली रो के साइन होल्ड करके लिखना, ये भी टर्म इससे कट जाएगी। अब देखो ये वाला जो साइन है ये हो जाएगा डिस्कार्ड, ये भी साइन क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, उसकी जगह नए साइन यूज होंगे, जो चेंज किया है ना साइन वो यूज होंगे। तो ये अगर माइनस के टू एक्स स्क्वायर प्लस के टू एक्स स्क्वायर, तो माइनस के टू और प्लस के वन कितना बना, माइनस के एक्स स्क्वायर, यहां से आ गया माइनस के एक्स, प्लस के टू, बची हुई जो टर्म्स है उसे नीचे उतार, बची हुई जो टर्म्स है उसे नीचे उतार। अब देखो नया डिविडेंड ये बन गया, नया डिविडेंड ये बन गया, अब इसे इससे डिवाइड करना है, इस डिविडेंड का पहला टर्म क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइड किससे करना है, डिवाइजर के, हमेशा डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से एक्स से डिवाइड करते हैं, एक्स से एक्स स्क्वायर को कट किया माइनस एक्स, एक्स को माइनस एक्स स्क्वायर से कट किया माइनस एक्स, तो यहां लग गया माइनस एक्स। अब माइनस एक्स को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, माइनस एक्स इंटू एक्स, अब माइनस एक्स को दोनों से, माइनस एक्स इंटू एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू माइनस वन, प्लस के एक्स, एक लाइन छोड़ के लाइन लगाई, जो लाइन छोड़ी हुई है वहां पे साइन, नीचे वाली रो है बच्चों उसके साइन चेंज करनी है, माइनस है यहां प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये साइन क्या हो जाएगा डिस्कार्ड, ये साइन क्या हो जाएगा डिस्कार्ड, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, ये कट गया आपस में, माइनस के एक्स और माइनस के एक्स, माइनस के टू एक्स और प्लस का टू एज इट इज, नीचे उतर गया। अब ये हमारे पास नया डिविडेंड आ गया, नए डिविडेंड में पहली टर्म क्या है, माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स किससे डिवाइड करना है, डिवाइजर की पहली टर्म से, एक्स, एक्स से कट किया कितना आया माइनस टू, कट करने के बाद तो यहां लगा दो माइनस टू, अब माइनस टू को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, माइनस टू इंटू एक्स,
माइनस टू एक्स माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस के टू, एक लाइन छोड़ के माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये डिस्कार्ड हो गया, ये भी डिस्कार्ड हो गया, ये कट गया, माइनस के टू एक्स और प्लस के टू एक्स, प्लस के टू और माइनस के टू। बच्चों जो नया साइन लगेगा, जो नया साइन लगे वो यूज होगा, पुराना साइन डिस्कार्ड हो जाएगा, जो नया साइन है वो यूज होगा। इसका मतलब माइनस की जगह क्या यूज होगा, प्लस, तो देखो माइनस टू एक्स और प्लस टू एक्स कट गया, ठीक है ना, ये डिस्कार्ड हो गया, तो दोनों कट गए, तो क्या गया रिमाइंडर जीरो। एक चीज और बता रहा हूं स्पेशली, जब भी जो फैक्टर निकाला तुम लोगों ने, उस फैक्टर से गिवन पॉलीनोमियल को डिवाइड करोगे तो हमेशा बच्चों जो रिमाइंडर है ना एंड में वो जीरो ही आएगा, ये 100% गारंटी है कि नीचे रिमाइंडर हमेशा जीरो आना चाहिए। अगर जीरो नहीं आया तो मतलब कहीं ना कहीं तुम लोगों की गलती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम लोगों की क्या है, गलती है। तो इसका मतलब तुम्हारे पास हमेशा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो। रिमाइंडर क्या आना चाहिए तुम्हारे पास, हमेशा जीरो आना चाहिए, ठीक है। अब रिमाइंडर जीरो आ गया, मुझे चार या पांच नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेंथी क्वेश्चन है, इसकी स्क्रीनशॉट निकाल लो, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये रफ पार्ट है, ये रफ में करना है, फेयर में नहीं करना है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा डिवाइड होगा, रफ में कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इस टाइप पर। देखो अब बच्चों हमने एक फैक्टर तो निकाल लिया था, देखो हमने एक फैक्टर तो निकाल लिया था इस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर तो निकाल लिया था, इसे हम यहां पे लिख लेते हैं एक्स माइनस वन, हम एक फैक्टर निकाल चुके हैं इसका, कितने फैक्टर आएंगे, तीन आएंगे ना, एक फैक्टर इसका हम निकाल चुके हैं एक्स माइनस वन, ठीक है। अब बचे हुए दो फैक्टर कैसे आएंगे, क्यूबिक है तो तीन फैक्टर आने चाहिए, बचे हुए दो कैसे आएंगे, मतलब डिवाइड करने के बाद मैंने क्या कहा था पहले, मुझे क्वेश्चन चाहिए, तो ये रहा क्वेश्चन, तो ये रहा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन किसमें, देखो स्क्वायर में, स्क्वायर क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व होती है, फैक्टर कैसे निकलते हैं, अभी फोर्थ क्वेश्चन करके आए पिछली वीडियो में, कैसे निकलते हैं, बाय मिडल टर्म स्प्लिट, बाय मिडल टर्म स्प्लिट। तो अब हम क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट लगा देंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे हम, मिडल टर्म स्प्लिट लगा देंगे। तो यहां लिखेंगे बाय अप्लाइंग मिडल टर्म स्प्लिट क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, देखो मिडल टर्म स्प्लिट रिवाइज करते हैं, यहां पे क्या चाहिए, वन इंटू माइनस टू, प्रोडक्ट कितना चाहिए, वन इंटू माइनस टू, माइनस टू चाहिए, सम कितना चाहिए, माइनस वन, टू के फैक्टर क्या बनेंगे, वैसे टू के फैक्टर वन और टू ही बनेंगे, माइनस करके मुझे वन मिलेगा, पर मुझे माइनस का वन चाहिए, तो टू की वैल्यू बड़ी वैल्यू माइनस रख देता हूं, छोटी वैल्यू प्लस रख देता हूं, ठीक है। तो बन गया मेरे पास माइनस वन, तो लिख लो यहां पे फैक्टर्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह प्लस एक्स, यहां पे आ जाएगा माइनस टू एक्स माइनस टू, पहली दो टर्म्स में से एक्स कॉमन निकाला, एक्स प्लस वन, यहां से माइनस टू कॉमन निकाल लिया, एक्स प्लस वन, ये दोनों टर्म्स एक साथ हो गई और ये इससे जुड़ गया एक्स माइनस टू, तो ये देखो ये बन गए मेरे पास दो फैक्टर्स, एक फैक्टर निकाल चुके थे, दो फैक्टर्स आ गए। बच्चों ये क्वेश्चन जो फिफ्थ क्वेश्चन है, ये तुम्हारे एग्जाम में चार नंबर का या पांच नंबर का क्वेश्चन आएगा, पंजाब बोर्ड की बात करें तो उसमें ये पांच नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर सीबीएसई की बोर्ड बात करें तो चार नंबर का, और चार नंबर का क्वेश्चन को ये एक पेज का नहीं होगा, कम से कम डेढ़ पेज का बनेगा, वन एंड हाफ पेज का बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चार नंबर का, तो ऑब्वियस क्वेश्चन लेंथी भी होगा, इजी नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, और भी बाकी पार्ट्स भी है, सारे द्वारा बाकी पार्ट्स भी समझाऊंगा तुम लोगों को, चारों के चारों जो पार्ट समझाऊंगा तुम लोगों को, तो इजिली तुम लोगों को प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे एंड में लिखना क्या है, देखो अब एंड में लिखना क्या है, सो एक्स माइनस वन, पहला वेक्टर क्या था, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस टू,
आर फैक्टर्स ऑफ पीएक्स, जो पीएक्स हमने लिख की थी। तो यहां पे तुम लोगों का क्वेश्चन हो गया खत्म। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ये पार्ट है नहीं तुम लोगों के पास स्क्रीनशॉट में, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? तो इस हिसाब से जो ये हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई होता है। हाँ, ये जरूर कह सकता हूं कि हिट एंड ट्रायल मेथड में मिडल टर्म स्प्लिट भी लगती है। ये चीज कह सकते हैं कि हिट एंड ट्रायल में मिडल टर्म स्प्लिट भी लगती है। ठीक है, सेकंड पार्ट, सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूं। अब पहले तुम लोगों को मैं समझा रहा हूं डिवाइड कैसे करते हैं, कुछ डिवाइड के क्वेश्चंस उठाते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकना बच्चों, बुक ले आओ। अब तुम लोगों को डिवाइड करना सिखा रहा हूं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, क्योंकि बिना डिवाइड किए हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगेगा। देखो जैसे किससे डिवाइड करना है हमने, टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। और जरूरी नहीं होता लॉन्ग डिवीजन मेथड में जीरो आएगा, वो तो उस हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड में एंड में जीरो आया था, वो उसका मेथड है बच्चों। डिवाइड करना, ये मैं सिर्फ लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखा रहा हूं तुम लोगों को, ये मैं सिर्फ तुम लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखा रहा हूं, हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है, ये सिर्फ लॉन्ग डिवीजन मेथड है जो यूज होता है हिट एंड ट्रायल में। तो इसमें रिमाइंडर जीरो आए ना आए उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया माइनस 17। सिंपल तुम लोगों को डिवाइड करना सिखा रहा हूं बच्चों, 30 डिवाइड करना है हमने इसे x माइनस 2 से। देखो कैसे डिवाइड करेंगे, डिविडेंड डिवाइजर, डिविडेंड डिवाइजर, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म 2x क्यूब सॉरी, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म 2x, यहीं पे लिख लेते हैं 2x क्यूब डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर, कट करो एक्स क्यूब से ये कट हो गया, एक्स स्क्वायर बचा, क्या बचा 2x स्क्वायर, क्या बचा 2x स्क्वायर, क्या बचा हमारे पास 2x स्क्वायर। तो हमने यहां पे 2x स्क्वायर लगा दिया। अब 2x स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2x स्क्वायर इंटू एक्स 2x क्यूब, ये तो बच्चों हमेशा सेम ही बनता है, क्यों, क्योंकि हमने बनाया ही सेम है डिवाइड करके। 2x स्क्वायर को माइनस 2 से करेंगे, माइनस 2 इंटू 2 4, माइनस 4x स्क्वायर। अब क्या करना है, एक लाइन छोड़नी है वहां पे, यहां पे प्लस था उसकी जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ये वाला साइन क्या हो जाएगा डिस्कार्ड, ये वाली वैल्यू कट गई, माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर, क्या बचा प्लस के x स्क्वायर, यहां से ये दोनों टर्म्स नीचे आ जाएंगी, माइनस के 17x प्लस के 30, माइनस के 17x प्लस के 30। तो अब एक्स स्क्वायर है तो अब ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया। दोबारा से रफ था बच्चों, अब दोबारा से एक्स स्क्वायर डिविडेंड की पहली टर्म डिवाइडेड बाय डिवाइजर की पहली टर्म एक्स है, एक्स को एक्स स्क्वायर से कट करोगे एक्स बचेगा, तो एक्स से ऊपर आ गया विद साइन बच्चों, प्लस के एक्स स्क्वायर है प्लस के एक्स है तो प्लस का ही एक्स आया, तो एक्स को अब एक्स को एक्स से करोगे एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस 2 से करोगे माइनस 2 एक्स, एक लाइन छोड़ के लाइन लगाई, इसका साइन प्लस था यहां पे माइनस, माइनस का प्लस, ऊपर वाला साइन क्या हो गया डिस्कार्ड, ये वाली वैल्यू कट जाएगी, पहली वैल्यू हमेशा कट जाएगी बच्चों। आगे माइनस के 17 में से प्लस का 2 निकाला, माइनस के 15, माइनस के 17 में से प्लस का 2, माइनस के 15 एक्स प्लस 30,
ये नया डिविडेंड आ गया, अब नए डिविडेंड को फिर से करने यहां पे क्या है माइनस के 15x, यहां पे क्या है प्लस का x, प्लस के x, x से x कट गया, बचा क्या माइनस 15, तो माइनस 15 ऊपर लगा दो। अब माइनस 15 को x से करना है, पहला टर्म तो वही बनेगी, सेकंड टर्म देखते हैं, माइनस 15 को 2 से माइनस माइनस, प्लस 15 इंटू 2 30, लाइन छोड़ के माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये साइन हो गया डिस्कार्ड, ये कट गया, और माइनस 30 और प्लस 30 भी आपस में कट गया, रिमाइंडर आ गया जीरो। बच्चों ये लॉन्ग डिविजन मेथड समझाया है, रिमाइंडर जीरो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, जरूरी नहीं है कि जीरो ही आएगा हर बार, ये डिविजन होती है बच्चों तुम लोगों की, क्लियर है। और दूसरी बात बच्चों, ये जो मैं कह रहा हूँ साइन डिस्कार्ड करके यहाँ पे कांटा मार रहा हूँ, साइन डिस्कार्ड करके यहाँ पे क्रॉस लगा रहा हूँ, ये पेपर में नहीं लगा के आना, पेपर में रिप्रेजेंटेशन ये रहेगी, क्रॉस नहीं लगा के आने, ये तो तुम लोगों को समझाने के लिए क्रॉस लगा रहा हूं, पेपर में क्रॉस नहीं लगाना, पेपर में क्रॉस नहीं लगाना, पेपर में ये रिप्रेजेंटेशन रहेगी, ये भी नहीं आएगा। मैं पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सर बच्चों, ये भी डिस्कार्ड, ये भी डिस्कार्ड, ये भी डिस्कार्ड, 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 स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। अब ये काम था जो मैं दे रहा हूं, पेपर में ये रिप्रेजेंटेशन रहेगी बच्चों, पेपर में ये रिप्रेजेंटेशन रहेगी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब जो साइड पे लिखा हुआ था और जो डिस्कार्ड वाले साइन डाले थे वो नहीं आएंगे, पेपर में ये रिप्रेजेंटेशन रहेगी तुम लोगों की, ठीक है। एक और क्वेश्चन, अच्छा चलो टाइम हो गया, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बाकी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को एक दो क्वेश्चन और डिवाइड करके फिर इस क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है।